कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कम समय में अगर सही रणनीति से तैयारी किया जाए तो एग्जाम में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। अदर सब्जेक्ट जैसे मैथ्स जीके की तुलना में कंप्यूटर का सिलेबस लिमिटेड होता है। अगर सही रणनीति लगन व निरंतरता से तैयारी किया जाए तो संपूर्ण सिलेबस को कवर करना आसान होता है। सो हैलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर विषय की तैयारी कैसे करें, पटवारी बनने के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, कंप्यूटर के सिलेबस क्या क्या हैं फुल एनालिसिस करेंगे। साथ साथ छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा 2019, 2017 और 2016 में कंप्यूटर वाले भाग जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को पूरे उत्तर से आपको बताएंगे, जिससे आप प्रश्नों की प्रकृति को अच्छे से समझें और अपनी तैयारी को सही दिशा प्रदान करके सफल हो सकें। अगर आप हमारे साथ छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम पटवारी की तैयारी हेतु वीडियो क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथ साथ PDF, GK, पटवारी के नोट्स और अन्य स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हम आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर विषय की तैयारी कैसे करनी है, कंप्यूटर में टॉप कैसे किया जाता है, इसका तरीका बताने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको परीक्षा के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके साथ साथ परीक्षा के प्रारूप यानी कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं इसका भी ज्ञान आवश्यक है। इन दोनों को समझने के बाद आपको आगे की रणनीति बनानी है और रणनीति ऐसे बनानी है कि बिल्कुल सिलेबस के बाहर पढ़ाई नहीं करनी है। आपको कम से कम आपको पिछले 3 वर्षों की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना है कि कौन से टॉपिक से कितना प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और उसी के अनुरूप आपको योजना बनाकर जिस टॉपिक की वैल्यू ज़्यादा है उसकी तैयारी ज़्यादा करना है, आपको ज़्यादा समय देना है। कंप्यूटर में सफल होने के लिए अगला पॉइंट है कंप्यूटर चलाना यानी कि ऑपरेट करना और प्रैक्टिकल ज्ञान यानी कि कंप्यूटर के प्रश्न थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों संबंधित पूछे जाते हैं। इसका मतलब यह है अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है, ऑपरेट करना आता है, आपकी रूटीन में प्रैक्टिस और लाइफ स्टाइल में कंप्यूटर शामिल है तो आप निश्चित रूप से 40% से 45% के प्रश्न आसानी से बना सकेंगे। अगला पॉइंट है प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों के साथ साथ तैयारी। अगर आपको कंप्यूटर का ज्ञान है, प्रैक्टिकल अच्छे से किए हैं, आप एक ऑपरेटर हैं, आप कंप्यूटर का पूरा ज्ञान रखते हैं, पूरा दिन एक्टिव रखते हैं या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंजीनियर हैं, तब भी आप ओवर कॉन्फिडेंस ना हुए, थ्योरी की तैयारी आपको साथ साथ करना ही है। कंप्यूटर की संपूर्ण तैयारी के लिए आपको थ्योरी का गहन अध्ययन करना आवश्यक है। इससे आपको एक फायदा होगा कि विषय को गहराई समझ सकेंगे, कितना भी कठिन प्रश्न आया हो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है MCQ सॉल्व, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। साथ साथ थ्योरी कंप्लीट करने के बाद उस टॉपिक से अगर आप MCQ सॉल्व करते हैं, बार बार सॉल्व करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं या मॉक टेस्ट देते हैं, इससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप परीक्षा में निश्चित रूप से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगला पॉइंट है व्यापम या PSC द्वारा जो परीक्षा लिए जाते हैं उसमें कंप्यूटर के प्रश्नों का संकलन करना। व्यापम या PSC द्वारा जितने परीक्षा लिए गए हैं उन परीक्षाओं में कंप्यूटर के जितने प्रश्न पूछे गए हैं आप उन पुराने प्रश्न पत्र को उठाइए, उन प्रश्नों को कलेक्ट कीजिए और उनका 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए। आप देखिएगा आपका लेवल बढ़ेगा और आगामी परीक्षा में आप निश्चित रूप से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, उसका बार बार रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक है। सही परीक्षाओं में कम से कम 5 से 6 प्रश्न रिपीट होते हैं। पुराने प्रश्नों को ही सॉल्व कर लेने से आपके 5 से 6 प्रश्न या इससे ज़्यादा भी आसानी से बन पाएगा। कंप्यूटर विषय के प्रश्नों को हल करने का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है सबसे पहले आपको थ्योरी का ज्ञान होना आवश्यक है। आप थ्योरी को बिल्कुल गहराई से पढ़ें, प्रैक्टिकल ज्ञान होना भी आवश्यक ही है। MCQ सॉल्व करें, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और सबसे अंतिम में इन सभी का आप रिवीजन करें। सबसे महत्वपूर्ण आपका रिवीजन है। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट टॉपिक का सिलेक्शन। पिछले परीक्षाओं में कौन से टॉपिक ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे उसे नोट डाउन करें, उसी के अनुरूप तैयारी करें, उस टॉपिक को ज़्यादा समय दें। उदाहरण के लिए इंटरनेट, डाटा कम्युनिकेशन, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है डेली 1 से 2 घंटे की स्टडी और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। परीक्षा में 1 माह का समय है, तब भी आप कम से कम 1 से 2 घंटे की थ्योरी की तैयारी करें और कम से कम आधा घंटा प्रैक्टिकल की तैयारी करें। इस तरह आप पूरे सिलेबस को कवर करें, निश्चित रूप से आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। आप पूरी अनुशासन, ईमानदारी, लगन, निरंतरता, जुनून के साथ एकाग्रचित होकर शांत और अनुकूल वातावरण में अच्छी रणनीति से तैयारी करें। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। परीक्षा के अंतिम दिनों में आप रिवीजन और MCQ सॉल्व पर ज़्यादा ध्यान दें। आपका एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए। इसके साथ साथ
आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होना चाहिए, इससे आप परीक्षा में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 में कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान से कुल 20 प्रश्न आएंगे, जिसमें अंक भी 20 ही रहेंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर एक अंक मिलेंगे आपको। इससे मुख्य रूप से कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की जानकारी, इंटरनेट का उपयोग, एंटीवायरस का उपयोग, इसके साथ साथ मल्टीमीडिया का उपयोग व जानकारी, सीडी डीवीडी संबंधित सामान्य जानकारी, गूगल अविस्ता व यूट्यूब की सामान्य जानकारी, ये सब सिलेबस के भाग हैं। इसका विस्तृत सिलेबस, इसका पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पटवारी की पिछली परीक्षाओं यानी कि 2019, 2017 और 2016 में जो कंप्यूटर के प्रश्न आए थे उनको आपको उत्तर से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं 2019 के। सबसे पहला प्रश्न है, इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया है TCP/IP। अगर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देगी, इसका उत्तर है ऑप्शन बी www.justdial.com। अगला देखिएगा, एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम आईपी प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है, क्या कहलाता है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए स्पर्मिंग। अगला प्रश्न है, एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम आईपी प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है, क्या कहलाता है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए स्मर्फिंग। अगला देखिएगा, प्रश्न है, एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है कहलाता है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी ट्रोजन हार्स। अगला देखिएगा, VGA का पूर्ण रूप क्या है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी वीडियो ग्राफिक्स एरे। अगला देखिएगा, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए IMG। अगला देखिएगा, प्रश्न है, ITB बराबर होता है, इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला है, डिस्क संरचना के बारे में क्या सही है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी सिलेंडर ट्रैक सेक्टर। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से गूगल का प्रोडक्ट नहीं है, इसका उत्तर है ऑप्शन बी iOS। बाकी एंड्रॉइड, क्रोम और जीमेल, ये तीनों गूगल के प्रोडक्ट हैं। अगला देखिएगा, यूट्यूब के गुणों के बारे में क्या गलत है, ऑप्शन ए वीडियो अपलोडिंग, ऑप्शन बी वीडियो एनालिसिस, ऑप्शन सी वीडियो डाउनलोडिंग और ऑप्शन डी है वीडियो सर्चिंग, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी वीडियो एनालिसिस। अगला प्रश्न है, रोबोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग। अगला देखिएगा, स्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए बारकोड रीडर। अगला देखिएगा, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए मदरबोर्ड। अगला है, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम का नाम क्या है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर। अगला देखिएगा, इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे पेंट करता है, इसका उत्तर है ऑप्शन बी कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से। अगला है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए इंपैक्ट प्रिंटर। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी ओरेकल। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए MS-DOS। अगला देखिएगा, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है, इसका उत्तर है ऑप्शन बी MS Excel। अगला है, साधारणतः फुटर कहां पर प्रिंट होता है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी सभी पृष्ठ पर। अब तक हमने पटवारी भर्ती परीक्षा 2019 में जो 20 प्रश्न आए थे कंप्यूटर विषय से उसको उत्तर से आपको बताए हैं। अब बात करते हैं पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 की, जिसमें से पहला प्रश्न है, USA की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की नई तकनीक विकसित की गई जिसे कहते हैं, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए 4D प्रिंटिंग। अगला देखिएगा, प्रश्न है, MS Excel सॉफ्टवेयर के सेल में एक फार्मूला लिखने हेतु चिन्ह का उपयोग किया जाता है, इसका उत्तर है ऑप्शन डी। अगला है, एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी मास्टर फाइल। अगला देखिएगा, प्रश्न है, एनिमेशन क्या है, इसका उत्तर है
ऑप्शन बी स्थिर चित्र को गति देना वर्ष 2016, 2017 और 2019 के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को पूरे उत्तर सहित वीडियो पटवारी कैसे बने, कैसे पढ़ें, पटवारी क्या होता है, पोस्टिंग कहाँ होती है, पटवारी के कार्य क्या के हैं, साथ साथ ऑनलाइन आवेदन, सिलेबस व तैयारी करने के तरीका समस्त जानकारी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप ये वीडियो नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देखकर लाभ उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिस एमएस डॉस फैट सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है, उसका नाम है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी फ्राइडे। अगला है, वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए PHP। अगला देखिएगा, किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसे परिवर्तन नहीं कर सकते व डाटा हटा नहीं सकते हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन सी CD-ROM में। अगला देखिएगा, प्रश्न है, XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है, XD का क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी एक्सट्रीम डिजिटल, ध्यान दीजिएगा एक्सट्रीम डिजिटल। अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा, खाली स्थान में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक उपभोक्ता में बांट दिया जाता है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी FDMA। अगला देखिएगा, इंटरनेट में IP एड्रेस को कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंटरनेट में IP एड्रेस को कहते हैं, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला देखिएगा, एक POS मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है, इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सब, यानी कि मुद्रा रहित कैशलेस लेन देन, पॉइंट ऑफ सेल, डिजिटल पेमेंट यानी कि डिजिटल भुगतान। अगला है, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी पायथन। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एस फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसका उत्तर है ऑप्शन डी Ubuntu। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए ओपेरा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है, इसका उत्तर है ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर। अगला है, गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए साउंड सिंथेसाइजर। अगला देखिएगा, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है, इसका उत्तर है ऑप्शन बी 2 प्रकार के। अगला देखिएगा, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, इसका उत्तर है ऑप्शन बी HTTP। अगला प्रश्न है, थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है, इसको व्यापम द्वारा विलोपित किया गया था। अगला देखिएगा, प्रश्न है, 1 TB मेमोरी इसके बराबर होता है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी 1024 x 1024 x 1024 x 1024 bytes। अब तक हमने 2019 और 2017 के प्रश्नों को आपको बताए हैं, अब बात करते हैं 2016 में जो प्रश्न आए थे, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, आपके परीक्षा की तैयारी करने, पैटर्नों को समझने में बहुत ही आसानी होगी। प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस में मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डाटा एक्सेस करने की गति है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देखिएगा, सर्च इंजन क्या है, ध्यान दीजिएगा सर्च इंजन क्या है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है। अगला देखिएगा, प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा आधारभूत कार्य नहीं है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी टेक्स्ट कॉपी करना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी प्लॉटर प्रिंटर और मॉनिटर। अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा, एक निर्गम यानी कि आउटपुट कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं, उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर के रूप में। अगला देखिएगा, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर ग्रुप, ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर ग्रुप है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी ड्रम प्रिंटर चयनावली बैंड प्रिंटर। अगला देखिएगा, वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर यानी कि छाप या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है,
इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर्स आते हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, ए टू अनुपात एफ और इंगित करता है, इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, एक पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए खाली स्थान शॉर्टकट की प्रयोग करें, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस एम। अगला देखिएगा प्रश्न है, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, ऑथेंटिकेशन की। अगला देखिएगा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एड्रेस हर रोज नहीं बदलता है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, स्टैटिक आईपी। अगला देखिएगा, एफटीपी का उपयोग होता है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ट्रोजन हार्स। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामान्य रूप में एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, छोटी स्टोरेज डिवाइस। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर विषय की तैयारी कैसे करें, पटवारी बनने के लिए कंप्यूटर को कैसे पढ़ें, इसके साथ साथ पटवारी भर्ती परीक्षा 2019, 2017 और 2016 में कंप्यूटर विषय के जितने प्रश्न आए थे उनके पूरे उत्तर से आपको बताए हैं, जो निश्चित रूप से आपको परीक्षा की तैयारी करने में लाभदायक रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।